चलिए बेटा, चलिए फिर से आगे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21। और ए की पार्ट 2 एक्स माइनस जेड दिया मैंने इस क्वेश्चन में। आई भी माना हुआ इंटीग्रेशन को, कारण है कुछ अभी बताऊंगा। अभी हम यहाँ बाय पार्ट रूल लगाएंगे, और जब बाय पार्ट रूल लगाएंगे तो बाय पार्ट रूल चलता ही रहेगा। इसको मैं फर्स्ट, पहले मेरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री, फिर ई की पावर। सेकंड, जब आपका टी और ई आता है तो आपको बता दूं ये बाय पार्ट रूल लगाते हो खत्म ही नहीं होगा आपका। इन दोनों का आपस में जब आएगा तो बाय पार्ट रूल खत्म ही नहीं होगा, ध्यान रखना। तो प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार लगाओ, दो बार लगाओ, चार बार लगाओ, छह बार लगाते लगता रहेगा। लेकिन नहीं, हमको क्वेश्चन खत्म करना है, हम इसे दो से ज्यादा बार लगाएंगे ही, उसके एक ट्रिक लगाएंगे, बस उस प्रोसेस को समझना है, ठीक है। दो से ज्यादा बार लगाना नहीं है। तो सबसे पहले बाय पार्ट रूल लगाते हैं, साइन एक्स सेम, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, e की पावर 2x अपॉन 2 आता है इंटीग्रेशन, नीचे 2 आ जाता है बेटा इसका, माइनस साइन एक्स करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट का करते हैं डेरिवेटिव, क्या आता है बेटा कॉस एक्स, e की पावर 2x अपॉन 2, फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड का इंटीग्रेशन दोनों जगह आता है यहाँ पे। अब यहाँ तो हो गया मामला, फिर से बाय पार्ट रूल लग गया, दो पार्ट आ गए, फर्स्ट सेकंड, दूसरी बार लगा रहा हूँ बेटा, तीसरी बार नहीं लगाऊंगा, लगेगा जरूर, लगाएंगे नहीं देखेंगे। तो साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 सेम रहा, आप इसे बाय पार्ट रूल लगा रहे भाई, और cos x सेम रहेगा, e की पावर 2x अपॉन का इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर 2x तो ऐसी रहेगा, एक 2 ये रहा, एक 2 पहले से है, तो 2 की जगह कितना आ जाएगा बेटा 4, सीधे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, एक 2 पहले का था, एक 2 इसके पहले से आया, माइनस फिर cos x से, cos x से हम उसका डायरेक्टली करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, और फिर से इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये e की पावर 2x अपॉन 4 और dx, ठीक है बेटे। तो अब इसके बाद देखो तीसरी बार फिर लग गया, तीसरी बार फिर लग गया, अगर मैं चौथी बार लगाना चाहूँ तो भी लग जाएगा, लेकिन हमें लगाना नहीं है, दो से ज्यादा नहीं लगाना कभी भी कोई भी क्वेश्चन। अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ बातों को समझना है, पहले ये ब्रैकेट खोलता हूँ, जो ब्रैकेट खोला था ये माइनस का हो गया, माइनस मिलने पर, और ये एक माइनस माइनस हो गया पहले तो प्लस, और फिर ये माइनस खोला तो हो गया फिर से माइनस, इतना क्लियर है। अब इस 4 को भी बाहर ले जाओ और ये जाके लिख दे रहा हूं 1/4 और माइनस, और ये रह गया साइन एक्स e की पावर 2x dx, ध्यान से देखो बेटा क्या बन रहा है, साइन एक्स e की पावर 2x dx। अब अगर मैं ध्यान से नोट करूं तो क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, साइन एक्स e की पावर 2x दिख रहा है इंटीग्रेशन, तो मैं इसको i नहीं मान सकता, इस पर क्या नहीं मान सकता इंटीग्रेशन में i, तो मैं इसको यहां पे क्या रखूंगा 1/4 i इक्वल में i, और इन दोनों को एक साथ रखेंगे बेटे sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 4। अब i वाली साइड ले लो, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो गए और इंटीग्रेशन खत्म हो गया बेटे, जैसे ही i इधर भेजूंगा इंटीग्रेशन खत्म, तो बाद में इन दोनों सॉल्व करके प्लस ही लगा दूंगा, सीधा इंटीग्रेशन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन i बनाकर खत्म होगा, चलिए इसके बाद i प्लस ये तरह के प्लस का ले बेटा i / 4 इक्वल टू sin x, और इन दोनों में काम करता हूं e की पावर 2x कॉमन ले लेता बेटा, e की पावर 2x कॉमन ले लिया भाई, और sin x / 2 - cos x / 4 इसका ले लेता एलसीएम, और जब एलसीएम लूंगा तो नीचे 4 आ जाएगा एक, तो और जब 4 आएगा तो 2 था तो क्या आ जाएगा बेटा 2, और ये एलसीएम ले लो बेटा आई के साथ इसका एलसीएम लो तो क्या होगा बेटे 4 आई इधर आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा बेटा पूरे में 4, कितना आई हो गया बेटे 5 आई, इसे हटा देता हूं ये बन जाएगा आपका 5 आई / 4। आप क्या कर सकता हूं 4 से 4 कट जाएगा पर 5 को ले आओ इधर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो आई था ना बेटा, आंसर भी आई चाहिए, तो 5 इधर नहीं रखना है, इधर वापस लिया e की पावर 2 5 e की पावर 2x / 5 2 sin x माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन हो चुका है इसके, ठीक है, क्लियर बेटा सबको, इसका फाइनल आंसर है e की पावर 2x / 5 ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x प्लस, क्लियर बेटा सबको, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन साथ।